जैसे बहुत से बच्चे यहाँ पर आके अटक जाते हैं इस तरह की सिचुएशन, इसके आगे कैसे सॉल्व करना है ना, अटक गए। यहाँ लिखा है 2 × 100, नीचे लिखा है 44.50, कैसे करेंगे ना। तो इसको देखिए, तरीका ये है कि आप पहले ये पॉइंट उड़ा दिए, पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक दो नंबर है ना, दो नंबर है तो दो जीरो ऊपर बढ़ गए, दो नंबर है दो जीरो ऊपर बढ़ गए। अब हमारे पास क्या बचा, टू बचा, इंटू वन और चार बार जीरो, एक दो तीन चार है ना। और दूसरा भी तरीका है इसको करने का, गिर गए, ठीक है, 44.50, ठीक। अब इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा, उसको आगे यूं जब एक लाइन में दो इक्वल टू लगाते हैं तो इम्प्लाइज दैट का साइन लगाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास बचा 2 × 1000, तीन जीरो है ना, नीचे क्या बचा 4, 4, 5, ठीक। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो ये इससे कट सकता है, 5 के टेबल में आते हैं ये दोनों, जिसके आखिरी में 5 हो और जिसके आखिरी में 0 हो, तो वो दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं। 5 से डिवाइड करके देख लिया, या आपको लॉजिक पता है तो ऐसे कर सकते हैं। 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 5 × 2 = 10, दो जीरो छुपाए थे दोनों लगा दिए, ठीक। अब 5 से इसको काटना है, नहीं काट पा रहे हैं, अगर नहीं काट पा रहे हैं तो रफ कॉलम कीजिए, 5 से इसको भी डिवाइड कर लिए, क्योंकि 5 से अगर काट रहे हैं तो ऊपर वाले को भी 5 से काटेंगे, नीचे वाले को भी। 5 से डिवाइड करके देख लिया, 5 का टेबल 44 नहीं आता लेकिन 40 आता है, कितनी बार में, 5 × 8 = 40, टेबल नहीं याद होंगे तो फिर भुइयाँ चिलिएगा बैठ के वहाँ पे। 4 में सिर्फ 0 गया, 4 बचा, 4 में 4 गया 0, ये 5 उसके बगल में डाल दिया, 5 का टेबल 49 आता है, 45 आता है, 5 × 9 = 45, ठीक है। कितनी बार में आया, तो काटा 89 आ गया, क्या आ गया 89। अब देखिए क्या 89 किसी के टेबल में आता है, हाँ हमारे पास ऊपर क्या बचा 2 × 200, नीचे क्या बचा 89, क्या 89 किसी के टेबल में आता है, हाँ किसके, किसी के टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है ये, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन में आके फंस गए तब क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, अगर नीचे भी कुछ है उसको मल्टीप्लाई कर लो, नीचे कुछ नहीं, खाली 89 ही है, आगे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, दो जीरो लगे थे दोनों जीरो लगा दिए ना। अब 89 ऐसी सिचुएशन आई, इस सिचुएशन में सबको पता है कि इसका मतलब होता है डिवाइड करो, ये नीचे वाला बाहर रहेगा ऊपर वाला अंदर, आप पूरी एक सल्लक लाइन खींचिएगा, 89 से 400 को डिवाइड करना है। तो यहाँ दो डिजिट हैं, अगर हम यहाँ दो डिजिट ले रहे हैं छोटा पड़ रहा है ना, 40 छोटा 89 से, तो 89 है तो इसलिए 400 एक साथ लेना पड़ा, तो 89 के टेबल कितनी बार पढ़ें कि 400 आ जाए, 89 के टेबल किसी को याद नहीं है, जब बड़े नंबर होते हैं तो टेबल नहीं पढ़ते हैं। 89 को हम मल्टीप्लाई कर करके देखेंगे, 2 से करेंगे 18 × 180, 4 से करके देखें 4 × 9 = 36, 4 × 8 = 32, 3 = 35, ठीक है, 5 बार में करते तो 400 प्लस हो जाता, 4 बार ही में कितना आ रहा है 356, 10 में से 6 गया 4, इधर तो कुछ था नहीं, इससे लिया था ना एक, इन्होंने इनको दिया 10 हो गए, इन्होंने इनको दिया 10 हो गए, यहाँ 9 बचे, ठीक है, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 3 ही बचे थे क्योंकि 4 में से 1 दे दिया था, 3 में से 3 गया 0, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो अगर हम 89 को 5 से करके देखते, 89 का टेबल 5 पे पढ़ो, 5 × 9 = 45, 5 × 40 = 44, 4 × 45 5 ज़्यादा हो रहा है तो 4 ही से ले जाएंगे, 4 बार में 440 का झटका लगेगा ना, अरे 4 बार में 356 का झटका है, 356 है ना, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 3 में से 3 गया 0, अरे इधर से कैरी ले लेते हैं, ठीक। पॉइंट लगाए, फिर से 0 बढ़ गया, अब 900 आ गया है ना, 900 तो बड़ा नंबर है, 356 का आपने 350 ही का झटका दिया, अरे 356 ही तो लिखा है, कहाँ दिख रहा है तुम लोग को, दिखता नहीं क्या, 10 में से 6 गया 4 बचे, ठीक है, ठीक है, 13 में से 5 गया, गड़बड़ गया, 10 में से 6 गया 4 बचा, 13 में से 5 गया 8 बचा, 3 में 3 गया 0, 840 हो गया पॉइंट लगाए। तो 89 को हम 9 से ले जाएं ना, 9 × 9 = 81, 9 × 72 = 880, ठीक है।
801 आ गया, कितनी बार में, 9 बार में। तो बस इसके आगे अगर हम करेंगे भी 10 में से एक गिनो 3, ठीक है, पॉइंट लगा के करते हैं, ज़रूरी नहीं, पॉइंट के बाद दो नंबर तक कटते हैं, 4.49 आया है ना। अगर हमने कहा इसको एक नंबर में लिखिए तो ये लास्ट डिजिट अगर पाँच, दूसरा डिजिट अगर पाँच या पाँच से बड़ा है तो ये कुर्बान होकर एक इसको दे जाएगा, तो आ जाएगा 4.5। अरे 9 है, कुर्बान हो गया, 9 नहीं देगा इसको, एक देगा, ये हटने के बाद एक इसको देगा, 4.5 हो गया। और इसको अगर हमें आगे करना है तो पॉइंट के बाद देखा, अगर पहला नंबर पाँच या पाँच से बड़ा है तो ये हट जाएगा, इसको एक दे देगा तो आंसर आ जाएगा 5, 5.0 लिख लो या 5 ही लिख लो, क्लियर हो गई बात। हाँ, अगर यह 9 ना होता, 4 होता, 3 होता तो 5 से छोटा होता तो ये 4 ही लिखते, 4.4, वरना ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये अप्रॉक्स आंसर है, ये दोनों, ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली है क्योंकि पॉइंट के और आगे भी कर सकते हैं, पॉइंट के हम दो नंबर तक करते हैं। कैलकुलेशन समझ में आई, ज़्यादा ना आगे जाइए ना, टाइम लगेगा पॉइंट के आगे।